Hey guys, welcome back to the another video of Zeta Institute of Science. आज हम करेंगे एक नया चैप्टर से शुरुआत, जो कि है प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो अभी प्रोबेबिलिटी है क्या, वो सब हम बात पे देखेंगे. इससे पहले, अगर इस चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए. ठीक है, तो बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ. प्रोबेबिलिटी बहुत ही मज़ेदार सब चैप्टर है ये. प्रोबेबिलिटी मीन्स हम जो डेली में आउटकम डिस्कम देखते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे. हम सीखेंगे बेसिक टर्मोलॉजीज, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बेस थ्योरम, ऑड्स. ठीक है, तो ये सब आगे धीरे धीरे सीखेंगे. पहले हम सीखेंगे बेसिक टर्मोलॉजी. बेसिक टर्मोलॉजी में पहला है व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कि सपोज एन एक्सपेरिमेंट हैविंग मोर देन वन आउटकम्स आर नोन बट द एक्चुअल रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, सच एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या रहता है. सपोज कि डाइस, एग्जांपल के थ्रो पे डाइस लेते हैं हम. ठीक है, डाइस क्या रहता है, हमारे डाइस का गेम जो रहता है उसमें कितने साइड्स रहते हैं, सिक्स साइड्स रहता है. क्या क्या रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. देर आर सिक्स साइड्स इन अ डाइस, बराबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब इसमें से कुछ भी कर सकते हैं. जब भी डाइस थ्रो करेंगे तो कुछ तो कुछ आएगा. 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. ठीक है, जब भी ट्राई थ्रो करेंगे, जब भी हम डाइट प्रो करेंगे तो हमें इसके अलावा दूसरा कुछ आउटकम्स नहीं मिलेगा. ठीक है, तो हमें पता नहीं कौन सा डाई गिर सकता है, या तो 2 गिर सकते हैं, 3, 4, 5, 6 कुछ गिर सकता है, विच आर नॉट प्रेडिक्टेड. हम प्रेडिक्ट नहीं लगा सकते कि इस डाइस का ये गिरेगा. ठीक है, बट वी नॉट आउटकम्स. आउटकम्स क्या रहेगा, इनमें से कुछ तो रहेगा. ठीक है, तो इसी को जो हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जिसका पता है हमें आउटकम्स, लेकिन उसका प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या गिर सकता है वो, समझ. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, समझ में. नेक्स्ट है आउटकम. अ पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. आउटकम्स मतलब सपोज एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि डाइस थ्रोन का भी क्वेश्चन है. ठीक है, उसका आउटकम्स क्या रहेगा, हम उसको सैम्पल स्पेस में लिखते हैं, एस से डिनोट करते हैं, इक्वल टू एक कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, डाई में क्या क्या रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उसका आउटकम्स क्या रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है, दिस इज़ द पॉसिबल आउटकम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसको हम आउटकम्स कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते क्या है, सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस को क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैम्पल स्पेस. द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स का क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस, जो कि हमने लिखा डाइस का, जैसे कि डाइस ऑन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, दे आर नथिंग बट अ सैम्पल स्पेस. द सैम्पल स्पेस इज डिनोटेड बाय एस और ग्रीक लेटर ओमेगा. ठीक है, उसको हम एस से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर ओमेगा से, आपके ऊपर है, लेकिन मोस्टली एस से डिनोट होता है, मोस्टली एस से डिनोट होता है, तो इसलिए हम एस ज़्यादा करके एस यूज़ करते हैं. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज डिनोटेड बाय एन ऑफ एस. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, ठीक है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स.
नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि कितने इसमें देखो, इसमें कितना नंबर है एलिमेंट्स, कितना है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देर आर 6 एलिमेंट्स इन अ सैम्पल स्पेस। तो उसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं हम एन ऑफ एस इक्वल टू 6 करके, ठीक है। दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैम्पल स्पेस, द नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ एन एलिमेंट्स इन अ सैम्पल स्पेस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, क्लियर सिंपल। ओके नेक्स्ट, इवेंट क्या होता है, इवेंट दिस इज वेरी बेसिक डेफिनेशन आपको लिखना है कि इवेंट क्या होता है। अ सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट, अ सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज अभी डाइट थ्रो किया है, सपोज मैंने एक इवेंट है कि आउटकम्स विल बी इवन नंबर्स, ऑल आउटकम्स विल बी इवन, आउटकम्स शुड बी इवन करके, ठीक है। एक मैंने इवेंट लिखा है कि जो डाइस है उसमें का आउटकम्स मुझे इवन में चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में हम इवेंट को नोट डाउन करते हैं कौन से भी अल्फाबेट लेटर A to Z, ठीक है। तो सपोज मैंने A कंसिडर किया, उसको भी सेम करली ब्रैकेट से, अब इसमें आउटकम्स क्या क्या है, नंबर ऑफ इवेंट शुड बी, आउटकम्स शुड बी इवन करके, इवन में क्या है 2, 4, 6, इसका मतलब इसका आउटकम क्या रहेगा 2, 4, 6, दिस इज नथिंग बट आउटकम, इसी को हम कहते हैं इवेंट। अभी देखो इवेंट कैसे क्यों, देखो इवेंट का डेफिनेशन क्या है, सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस, देखो 2, 4, 6 एस में भी, सैम्पल स्पेस में भी है, इसका मतलब वो सबसेट है एस से, जो जो ए में है वो पूरा एस में है, ठीक है, क्लियर। ओके तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला, फेवरेबल आउटकम, एंड आउटकम्स दैट बिलोंग्स टू स्पेसिफाइड इवेंट इज कॉल्ड अ फेवरेबल आउटकम्स। सेम डाई का जो स्पेसिफाइड इवेंट ही चाहिए कि ऐसे आ सकता है, ठीक है, समझ में, बेसिक थर्मोलॉजी में रैंडम एक्सपेरिमेंट आउटकम्स सैंपल स्पेस इवेंट फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ इवेंट पे जाने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट कुछ कुछ चीज़ है जो एक्सरसाइज में काम आएंगे, वो दिखते क्या क्या है। किसी को पता है कार्ड्स, कार्ड्स के रिलेटेड सबको पता रहेगा कार्ड्स, किसी ने खेला भी रहेगा कार्ड्स, जो नॉर्मल कार्ड जो रम्मी के यूज़ करते हैं एडिट से लेके के तक वाला, सबको आइडिया है उसके बारे में, ठीक है। आइडिया नहीं तो तुम्हें मजा लो, ठीक है। एक पूरे डक में जो डेक रहता है उसको डेक बोलते हैं, जो कार्ड्स के बॉक्स रहता है उसको हम डेक बोलते हैं, ठीक है। एक पूरे डेक में कितना कार्ड्स रहता है, कमेंट में मेंशन करो कितना डेक कार्ड्स रहता है, तो पूरे डेक में 54 कार्ड्स, बट 54 कार्ड्स रहता है एक पूरा डेक में, ठीक है। उसमें से दो कार्ड्स जो कि होता है जोकर का, दो कार्ड्स होता है जोकर का, इसलिए जोकर को हम यूज़ नहीं करते, तो जोकर हटाया तो कितना बचता है 52 कार्ड्स, सो देर आर 52 कार्ड्स इन अ डेक जोकर को इग्नोर करके। अभी कार्ड्स में अलग अलग स्पेसिफाइड 52 कार्ड्स में बट अलग अलग मतलब 4 टाइप्स के कार्ड्स रहते हैं, इसको ये रहेगा पता। तो पहला रहता है हार्ट करके, पहला है हार्ट्स, दूसरा है क्लब जो फ्लावर के रूप में रहता है, थर्ड है डायमंड एंड फोर्थ स्पेड,
ठीक है, इसको क्या बोला, इसको बोलते हैं हार्ट्स, हार्ट्स क्लब्स डायमंड, एंड स्पेड। ठीक है, 52 में से देर आर 13 हार्ट्स, 13 ग्लव्स, 13 डायमंड एंड 13 स्पेड, ये सब मिला के 52 होता है। ठीक है, और ये हार्ट्स एंड डायमंड रेड रहता है और क्लब्स और स्पेड ब्लैक रहता है। ठीक है, तो इसके बेस क्वेश्चन पूछे रहते हैं अपने जो एक्सरसाइज में। ठीक है, तो 13 हार्ट्स, 13 क्लब्स, 13 डायमंड, 13 स्पेड्स एंड देयर आर 26 रेड कार्ड्स एंड 26 ब्लैक कार्ड्स, और कुछ कार्ड्स रहते हैं जो कि ए जे के क्यू। ठीक है, दे आर नथिंग बट द स्पेशल कार्ड्स, इसको हम एस कहते हैं, इधर भी एस वर्ड है तो समझ लेना ए। ये सब उसके अंदर 52 कार्ड्स में रहते हैं सब, बट दे आर स्पेशल कार्ड्स। ठीक है, तो इसके लिए इतना नोट डाउन कीजिए, अगर किसको पता है तो मत कीजिए, किसको नहीं पता है तो कर लीजिए इसे नोट डाउन। ठीक है, तो अभी हम टाइप्स दिखेंगे, टाइप्स ऑफ इवेंट, देयर आर मेनली 3 टाइप्स। पहले है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट में क्या बोला है, एन इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट क्या, एन इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल आउटकम, ऑफ अ सिंगल आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं कि डाई का एग्जाम्पल, ठीक है डाई का एग्जाम्पल नहीं का कॉइन का, ठीक है कॉइन का एग्जाम्पल लेते हैं, कॉइन इज टॉस करके। ठीक है, इसका आउटकम्स क्या है, इसका आउटकम्स एक तो एच आ सकता है मतलब हेड, या तो टेल आ सकता है। ठीक है, और इसमें एक इवेंट ये है कि सपोज ओनली हेड कम्स, ओनली हेड कम्स ऑफ अ कॉइन, ओनली हेड कम्स, सिर्फ एड गिर सकता है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, एच इक्वल टू एच, ए इक्वल टू एच, ओनली हेड्स का मतलब एक ही आउटकम आ रहा है, तो दिस इज नथिंग बट एलिमेंट्री इवेंट, या फिर इसको कह सकते हैं सिंगल इवेंट करके भी। तो ये नाम सेम है, एलिमेंट्री या फिर सिंगल दोनों सेम है। ठीक है, क्या इवेंट, और एन इवेंट कंसिस्टिंग ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट के लिए सर्टन इवेंट, द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड सर्टन इवेंट इफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर फेवरेबल आउटकम, दैट इज दैट इज द इवेंट कंसिस्ट ऑफ होल सैम्पल स्पेस। तो ये क्या बोला है कि द सैम्पल स्पेस उसको सर्टेन इवेंट बोल सकते हैं जब कि ऑल पॉसिबल जो आउटकम्स रहेंगे वो फेवरेबल आउटकम्स रहेंगे, फेवरेबल आउटकम मीन्स द इवेंट कंसिस्ट ऑफ होल सैम्पल स्पेस। ठीक है, अभी सपोज एग्जाम्पल लेता हूँ डाई वाला। ठीक है, डाई का जो एग्जाम्पल लेता हूँ, सैम्पल स्पेस क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब एक इवेंट है जिसमें लिखा है 1 less than x = 6। ठीक है,
तो इस इवेंट में क्या सकते हैं, ए इक्वल टू, अगर ए लिखे तो वन लेस देन इक्वल टू सिक्स है तो वन आ सकता है, फिर टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तक आ सकता है। तो ए इवेंट में देखें तो हमें पूरा सैम्पल स्पेस मिल रहा है, इसका मतलब इसे हम कह सकते हैं सर्टेन इवेंट, ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट बोला इम्पॉसिबल इवेंट, एम्प्टी सेट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट हैज नो पॉसिबल आउटकम इज वेरिएबल, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं कि सपोज द सैंपल स्पेस में वन से लेके टू थ्री अप टू एन तक है, जो कि नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है, सैंपल स्पेस के नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर अप टू एन। सपोज इवेंट, इवेंट में पूछा है कि आउटकम विल बी जीरो करके, मतलब आउटकम जीरो आना मांगता है, नहीं आउटकम शुड बी जीरो, सी जीरो नंबर आना मांगता है, ठीक है, शुड बी जीरो। अगर सैंपल स्पेस में देखें तो जीरो आ रहा है केस में, सैम्पल स्पेस में जीरो इसलिए क्योंकि वन से शुरू होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल टू, एक तो उसको खाली छोड़ सकता हूँ ब्लैंक कुछ नहीं समझ एम्प्टी सेट है, या फिर इसका एक आई से भी लिख सकता हूँ उसको एक सर्कल एंड एक लाइन, उसमें इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं या फिर इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। सेट एंड रिलेशन में आप देखा रहेंगे एम्प्टी सेट, ठीक है, प्रॉबर्टी में इम्पॉसिबल इवेंट रहता है, ओके। तो फिलहाल के लिए ज़रा डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कि है हम पढ़ेंगे एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, ठीक है, एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स आर सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस, बराबर इवेंट्स क्या है सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस हमने डेफिनेशन में देख लिया था। एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स यूज ऑपरेशन इन सेट थ्योरी टू डिफाइन न्यू एलिमेंट्स न्यू इवेंट्स इन द टर्म्स ऑफ नॉन इवेंट्स, ठीक है, ऑपरेशन यूज करते हैं, ऑपरेशन मीन्स कुछ ऑपरेशन हम उस पर डालते हैं, जैसे हमने सेट एंड रिलेशन या फिर फंक्शन में भी देखा रहेगा कुछ ऑपरेशन रहता है, ठीक है, इसी तरह प्रोबेबिलिटी में भी ऑपरेशन से, ठीक है। तो पहला जो कि है यूनियन ऑफ टू इवेंट्स, यूनियन ऑफ टू इवेंट्स, इसमें क्या लिखा है कि लेट ए एंड बी बी द टू इवेंट्स इन द सैम्पल स्पेस एस, लेट ए एंड बी द टू इवेंट्स इन द सैम्पल, ए एंड बी कुछ इवेंट है सैम्पल स्पेस एस में, द यूनियन ऑफ ए एंड बी
इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, इसको वैसे डिनोट करते ए यूनियन का जो साइन है बी। ओके, इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट बिलोंग टू एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। ओके, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट बिलोंग्स टू एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो एग्जाम्पल इधर कह दिया है कि लेट एस इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर नॉट एग्जिस्टिंग 50, नॉट एग्जिस्टिंग 50 के ऊपर नहीं। इवेंट ए सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस दैट आर डिविजिबल बाय 6 एंड इवेंट बी इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस दैट आर डिविजिबल बाय 9, जो 6 और 9 से डिविजिबल होता है। फाइंड ए यूनियन बी। ओके, हमें सेट ए में कह दिया है डिविजिबल बाई 6, 50 तक डिविजिबल बाई 6 क्या क्या है, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 एंड सेट भी जो डिविजिबल बाई 9 है 9, 18, 27, 36, 45। इनका यूनिट कैसे लिखेंगे, हम एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 6, 9, 12, 18। अभी 18 इधर पहले से है तो उसको 18 वापस लिख नहीं सकते। हमने सेट्स में देखा है कि सेट में एक ही बार लिख सकते हैं उसको, मतलब जो सेम है उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, 18 ये वाला नहीं लिख सकते, 27, 24, 36, 30, 45, 36 फिर से नहीं लिख सकते इधर का क्योंकि पहले से लिखा है हमने, 42, 48। तो देखो सेट कैसे बना, 6, 9, 12, 18, 24, 27, 30, 36, 42, 45 एंड 48, दिस इज मतलब यूनियन। ठीक है, हमने सेट्स में भी देखा था यूनियन कैसे रहता है, उसी तरह यूनियन मतलब क्या रहता है कि ए और बी का जो जो एलिमेंट है हम उसको एक साथ लिखते हैं, बट जो सेम है उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, समझ में आया यूनियन। ओके, तो डेफिनेशन प्लस एग्जांपल नोट कीजिए। इसके साथ एक और एग्जांपल नोट कीजिए। क्वेश्चन से मैं बस इवेंट ए जो डिविजिबल बाय 6 है उसके जगह आपको लिखना है 5 और इधर 10। ठीक है, तो इसका दो इवेंट आपको लिखना है, आपको यूनियन इन दोनों का इवेंट यूनियन लिख के आपको दिखाना है। ठीक है, तो पहला इसका डेफिनेशन प्लस ये एग्जांपल नोट कीजिए। इसके साथ एक और एग्जांपल नोट कीजिए जो कि डिविजिबल बाय 5 एंड डिविजिबल बाय 10, उसका यूनियन आप बता दीजिए साथ ही में इसको ग्रुप में निकाल लीजिए। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए साथ ही में, वो 5 और 10 वाला भी लिखना है आपको।
ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते क्या है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, टू इवेंट्स ए एंड बी इन द सैंपल स्पेस एस असेस्ड टू बी एग्जॉस्टिव इफ ए एंड बी इक्वल टू एस। वो एग्जॉस्टिव बोल सकते हैं अगर जब यूनियन लेगा तो वो इक्वल टू सैंपल स्पेस आना चाहिए, तो इसको हम एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल दिया है जो कि ये है। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ द थ्रोइंग डाई एंड नोटिंग द नंबर ऑन द टॉप, ऑन द टॉप ऑफ द टॉप मतलब हम टॉप ही कंसिडर करते हैं ना। तो लेट एस इक्वल टू, लेट एस बी सैंपल स्पेस। आपको नहीं क्या जब भी सॉल्व करना ना सम, पहले ये लाइन लिखना है, ये लाइन जरूरी है। ठीक है, तो लिखना क्या है, लेट एस बी सैंपल स्पेस, देयरफॉर एस इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। डाई में तो छः जाएंगे ना, इसलिए 1, 2, 3, 4, 6। और आपको समझो, आप बोलेंगे क्या सर एक एग्जांपल डाई, आपको याद रखना कि प्रोबेबिलिटी में जो भी कुछ करेंगे ना वो बेस्ड डाई कॉइन कार्ड्स इनके बेस्ड एग्जांपल दिया रहता है। ठीक है, और कुछ अलग पेन्स शूज रेड बॉल्स या फिर टीचर स्टूडेंट्स क्लासेस इसके बेस्ड एग्जाम्पल रहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा करके आपको डाई का ज़्यादा सेंस मिलेगा या फिर कार्ड्स का या फिर कॉइन का, तो कंफ्यूज नहीं होना मतलब बोर नहीं होना। ठीक है, सम्स एक बार सबका अलग अलग थ्योरी रहता है, अलग अलग कुछ सम्स करेगा। अभी जैसे कि इधर कुछ अलग क्वेश्चन दिया उधर कुछ अलग रहेगा, बट रिलेटेड टू प्राइस रहेगा, कार्ड्स रहेगा। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस में क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट, लेट ए बी द इवेंट दैट दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर, एग्जिस्ट फॉर मतलब फोर के ऊपर नहीं जाने का है। बी विद द इवेंट दैट दिस नंबर इज नॉट स्मॉलर देन थ्री, थ्री से स्मॉलर नहीं है। ओके, तो ए सेट में क्या क्या है, 1, 2, 3, 4 जो कि नॉट एग्जिस्ट बाय 4। बी सेट में है 3, 4, 5, 6 जो कि स्मॉलर लेस देन नॉट 3 है, स्मॉलर देन 3 नहीं है। देयरफॉर ए यूनियन बी कैसे आएगा, ए यूनियन बी लिखो 1, 2, 3, 4, 3 और 4 तो पहले से लिया है, तो 5, 6। अगर हम देखें तो ये क्या है, इक्वल टू एस ए जो कि सैम्पल स्पेस है, तो इसका मतलब ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फाइंड द एग्जॉस्टिव इवेंट और नॉट, इज दिस द सम इज एग्जॉस्टिव और नॉट। एग्जॉस्टिव बोला तो क्या करना है, जो सैम्पल स्पेस है उसका यूनियन मतलब जो दो इवेंट है, दो तीन इवेंट रह सकता है, उनका यूनियन लिया तो सैम्पल स्पेस आता है, तो अगर आया तो एग्जॉस्टिव, नहीं आया तो नॉट एग्जॉस्टिव। सिंपल, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव का डेफिनेशन नोट ऑन कीजिए, साथ ही में एग्जाम्पल नोट ऑन कीजिए। एग्जॉस्टिव का डेफिनेशन नोट ऑन कीजिए,
ठीक है। तो नेक्स्ट देखते क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स, ठीक है। तो क्या बोला है, लेट ए एंड बी द टू इवेंट्स इन द सैम्पल स्पेस एस, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ आउटकम्स दैट बिलोंग टू बोथ द इवेंट्स ए एंड बी, ठीक है। इंटरसेक्शन देखो, हमने सेट्स में भी देखा था, इंटरसेक्शन क्या रहता है, दो इवेंट में अगर कुछ कॉमन पॉइंट रहेगा या फिर कॉमन एलिमेंट रहेगा तो उसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर इवेंट ए में रेड ब्लू ऑरेंज और इवेंट बी में रेड वाइट ग्रीन, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाले तो रेड विल बी द कॉमन एलिमेंट या फिर कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो उसको हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं, इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं हम इस फॉर्म में जो कि है इंटरसेक्शन उल्टा यू, यूनियन में हम यू उल्टा सीधा लिखते हैं, इंटरसेक्शन में उल्टा लिखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल कुछ दिया है कि लेट एस इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एग्जिस्टिंग 50, इवेंट ए इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस दैट आर डिविजिबल बाय 3 एंड लेट इवेंट बी बी द सेट ऑफ एलिमेंट्स एस दैट आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 3 में ए का सेट में क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, and 36, 39, 42, 45, 48, डिविजिबल बाय 3 एंड बी में क्या है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में देखो तो 15 इज़ कॉमन, और क्या कॉमन है, 30 कॉमन है, और 45 कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 15, 30, 45, इसलिए इंटरसेक्शन में क्या आया, 15, 30, 45, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या है, 15, 30, 45, ठीक है, समझ में। इंटरसेक्शन मीन्स द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। तो नेक्स्ट देखते क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कह रहे थे। इवेंट ए एंड बी इन द सैंपल स्पेस एस आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे हैव नो आउटकम्स इन कॉमन, उनमें आउटकम कॉमन नहीं रहना चाहिए। In other words, the intersection of mutual exclusive event is empty. Mutual exclusive also called disjoint events. ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि सिंपल ऐसे दो इवेंट जिसका कोई आउटकम्स ना आए, आउटकम्स जो कि इंटरसेक्शन है, अगर इंटरसेक्शन कुछ नहीं है मतलब एम्प्टी सेट है तो उसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट इवेंट्स, ठीक है, सिंपल। ऐसा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिखते हैं कि लेट एस इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एग्जिस्टिंग 50, इवेंट ए इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट्स एस दैट आर डिविजिबल बाय 8
एंड इवेंट बी बी सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस दैट आर डिविजिबल बाय 13 देन ए इक्वल टू डिविजिबल बाय 8 का क्या है 8 16 24 30 40 48 एंड बी इज 13 26 39 अगर हम देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हमें एम्प्टी सेट चाहिए ठीक है तो इधर देखो 8 16 24 32 48 13 26 39 दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है अभी कॉमन नहीं है इसका मतलब एम्प्टी सेट हो गया एम्प्टी सेट मतलब इंटरसेक्शन हो गया इंटरसेक्शन यानी कि इंटरसेक्शन जो कि जीरो होगा जीरो नहीं मतलब एम्प्टी हो गया इसका मतलब वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है वो इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है ठीक है तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी सेट बिकॉज नो एलिमेंट ऑफ एस इज डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 13 सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ठीक है और कुछ नोट दिया है कि इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जिस्टिव देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ओके अभी इधर क्या बोला है कि नोट में क्या बोला है इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्री का बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का बोलता है जब वो एक्सक्लूसिव भी रहेंगे एग्जिस्टिव रहेगा एग्जिस्टिव मतलब यूनियन निकालने में वो सैम्पल स्पेस होता है और पिछले मतलब दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो ऐसे दो इवेंट हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स किसी ने पूछा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या है तो बता देना कि एग्जिस्टिव भी रहना चाहिए और पिछले भी रहना चाहिए ठीक है तो इसका एग्जाम्पल नोट डाउन कीजिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल नोट डाउन कीजिए ठीक है तो नेक्स्ट ये नोट डाउन के भी नोट भी लिखना है ठीक है नेक्स्ट नोटेशन नोटेशन मतलब जिसे हम सिंबल भी बोल सकते हैं ठीक है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए इज नोटेड बाय कॉम्प्लीमेंट मतलब जो कि ए में नहीं है बट वो सैम्पल स्पेस में है या फिर यूनिवर्सल सेट में भी है उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं तो उसको डिनोट करते हैं ए कॉमा या फिर ए बार या फिर ए रेस टू सी दिस इज नथिंग मतलब कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ दिया है कि द फॉलोइंग टेबल शोज हाउ द ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन कैन बी कंबाइंड टू डिफाइन मोर इवेंट्स ठीक है ये तो देखो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का दिया है हमने देखो ए कॉमा ए बार ए रेस टू सी इंटरसेक्शन क्या मतलब वो क्या डिनोट करता है नॉट ए ए का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट अगर किसी ने पूछा कि एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी तो उसको डिनोट कैसे करते हैं ए यूनियन बी एटलीस्ट वन ऑफ ए एटलीस्ट मतलब एक या फिर एक से ज़्यादा जो है ए से और बी में से ठीक है दे आर नथिंग बट ए यूनियन बी नेक्स्ट बोट ए एंड बी बोट ए एंड बी पूछा तो कॉमन पॉइंट लिखना है उसे डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से तीसरा है एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी
एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन मतलब एक ही, ए में से और बी में से, तो उसे हम डिनोट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए का नहीं है बट सैम्पल स्पेस में, तो ये देखो बी एग्जैक्टली वन ऑफ बी मतलब देखो इधर बी आया, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर इन दोनों में देख रहे हो एग्जैक्टली बी एग्जैक्टली ए में से एक ही एलिमेंट आ रहा है, बाकी सब कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जब ऐसे रहेंगे तो उसे हम इक्वल टू लिखते हैं ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स लॉ, उसको हम डी मॉर्गन्स लॉ से उसका फॉर्मूला ले सकते हैं, ठीक है क्लियर। तो टेबल को भी नोट डाउन कीजिए क्योंकि एक्सरसाइज में काम आना लगे सम्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस, ये पार्ट वन इंट्रोडक्शन पार्ट वन, इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करने वाला हूँ लगेज, तो आज के लिए इतना ही बस। हमने ज़रा डेफिनेशन देखा प्रोबेबिलिटी का क्या है, प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट्स है वो देखा, टाइप्स ऑफ इवेंट्स देखा, प्लस एग्जांपल्स देखा, ठीक है। तो इसके बाद कुछ जो जो देखेंगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे, टिल देन दिस इज अनिश राधाकृष्णन फ्रॉम सिट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस साइनिंग आउट, और इम्पोर्टेंट नोटिस, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए, अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के टाइम।